तो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIM होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर FIM नहीं करी, बहुत ज्यादा चांस है कि वो एक्साइटमेंट के चक्कर में गलत डायरेक्शन में और गलत स्किल्स के साथ में काम करे, उसे रिजल्ट ना आए, वो निगेटिव होकर इस बिजनेस से आउट हो जाए। तो दोस्तों आज की इस जानकारी को हम लोग अच्छे तरीके से लेते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम FIM को कंडक्ट करें। फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखनी है, हमारी जो FIM होगी वो हमेशा दो फेजेस में होगी। सबसे पहला फेज होगा कनेक्टिंग द व्हाई, सेकेंड फेज हमारा होगा टेलिंग अबाउट द हाउ। सबसे पहले आपको हमेशा ये क्लियर करना है कि आपने इस बिजनेस को किया तो क्यों किया, शुरुआत अगर करी तो उसके पीछे रीजन क्या था, आपका मकसद क्या था, आपका वाई क्या था। याद रखिएगा कभी भी किसी व्यक्ति का किसी चीज को करने के पीछे अगर कारण, अगर वाई, ये रीजनिंग अगर क्लियर नहीं है तो कभी भी वो व्यक्ति हाउ उस काम को कैसे करे इस प्रोसेस में कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये इंसान की साइकोलॉजी होती है। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उस व्यक्ति के साथ में अपनी FIM शुरू करें तो उसका सबसे शुरुआत में आप उसका वाई जरूर क्लियर करें, रीजन जरूर क्लियर करें कि आपने क्यों इस बिजनेस की शुरुआत करी है। अगर आप उसका रीजन प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर पाए तो हाउ सेकेंड जो प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस प्रोसेस पे वो कभी ध्यान नहीं देगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो शुरुआत में हमेशा उसका वाई रीजन क्लियर करना बहुत आवश्यक है। नाउ जब भी आप उसका वाई क्लियर करोगे तो वाई हमेशा दो हिस्सों में क्लियर होगा। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन बिल्डिंग करनी है, एक रैपो बिल्डिंग करनी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली गए और उसके साथ में डायरेक्टली काम की बातें आपने शुरू कर दी, ना वो आपकी बात कतई नहीं सुनेगा। आपको सबसे शुरुआत में उसके साथ में अगर आप उसके साथ में कनेक्ट कर पाए, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर पाए तो वो आपकी बात जरूर बताएगा, आपके साथ में जरूर वो आपकी बातें सुनेगा, वो आपके साथ में दिल से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो पहला फेज हमेशा याद रखना, देयर इज रिलेशन बिल्डिंग और यू कैन से अ रैपो बिल्डिंग। सेकेंड फेज कम इज क्लियरिंग अ वाई, अच्छे तरीके से उसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना है अगर नहीं है तो, कि क्यों आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी है। हमेशा याद रखना अगर शेर भूखा है तो उसे बताया नहीं जाता कि आपको शिकार कैसे करना है। जब किसी को भूख लगती है तो उसे बताना नहीं पड़ता कि खाना कहां मिलेगा, वो तो सूंघ के ही चले जाएगा। उसी तरीके से इंसानों का भी होता है, अगर उनकी जिंदगी में वाय इस काम को क्यों करे, किसी भी काम को क्यों करे, किसी तरीके से अगर आपने उसका प्रॉपर तरीके से वाई क्लियर अगर आप कर पाए, उसके अंदर में भूख जगा पाए, तो वो व्यक्ति आपकी बात जरूर अच्छे तरीके से जरूर सुनेगा। तो आइए देखते हैं, इसे समझते हैं और गहराई में समझते हैं कि किस तरीके से सबसे पहला फेज हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से कैसे होनी चाहिए। याद रखिए एक प्रकार की स्किल्स है। आज रिलेशन बिल्डिंग और रेपो बिल्डिंग के ऊपर में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग इस स्किल्स में बहुत कमजोर होते हैं, मार खा जाते हैं। FIM करने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति की शुरुआत करने के लिए स्किल्स को आना बहुत आवश्यक है। यहां एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी उस व्यक्ति के साथ में इससे पहले मिल चुके हो और आपका ऑलरेडी उसके साथ में रिलेशन बिल्ड हो चुका है, तब आपको उसके साथ में दोबारा से इस स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लियरिंग द वाई से शुरुआत कर सकते हो एंड टेलिंग अबाउट द हाउ पे जंप कर सकते हो, जिसमें एक्चुअल हमारे फिल्म का कंटेंट होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ में फर्स्ट टाइम मीटिंग कर रहे हो एज अ सीनियर अप्लाइंग बनके, तो याद रखिए शुरुआत हमेशा रिलेशन बिल्डिंग एंड रेपो बिल्डिंग से कीजिए। आइए डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में एक रिलेशन बिल्ड किया जाता है, एक कॉमन रेपो बिल्ड किया जाता है। नाउ रिलेशन बिल्डिंग एंड रेपो बिल्डिंग, अगर रिलेशन बिल्डिंग में आप ऑलरेडी तगड़े हैं तो आप अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति के साथ में सामने ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशन बिल्डिंग या किसी भी व्यक्ति के साथ में कॉमन रेपोर्ट जनरेट करने में अगर वीक है, तो आप सभी लोग इस फॉर्मूले का यूज करके सामने वाले व्यक्ति के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को बोलते हैं द फॉर्म फॉर्मूला। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन एंड एम फॉर मैसेज। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में आसानी से उसके साथ में अपना एक रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, उसके साथ में कॉमन रेपो तुरंत जनरेट होगा। सामने वाले व्यक्ति के साथ में आगे की कोई भी बात करे उससे पहले आपको सबसे पहले एफ फॉर फैमिली, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। आपको उसे पूछना है, दुबे जी कि आप यहां इंदौर में के प्रॉपर हैं, यहां पे आप कितने साल से रहते आ रहे हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या आप अपनी इंडिपेंडेंट फैमिली में रहते हैं, आपके फैमिली आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, बच्चे हैं तो कितने हैं,
बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली की पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से लेनी है। दोस्तों याद रखिए, जानकारी जब आप ले रहे हो तो आपके दिमाग में एक डेटाबेस बन रहा है, और आपके दिमाग में डेटाबेस होना बहुत आवश्यक है, ये आपको एक्सपीरियंस दिलाएगा लाइफ में। सेकंड पॉइंट इज ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आपको सामने वाले व्यक्ति के ऑक्यूपेशन के बारे में जानना है कि वो अभी क्या करता है, अभी फिलहाल वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दुबे जी, अभी आप क्या करते हैं, क्या आप जॉब करते हैं, किस तरीके का जॉब है, आप बिजनेस करते हैं, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। उसके बिजनेस या जॉब के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में हल्की फुल्की कम से कम या 30 सेकंड या 45 सेकंड तक उसके अच्छे तरीके से जानकारी ले लेंगे। याद रखिएगा, जब आप उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर में आप जानकारी ले रहे होंगे तो इस ऑक्यूपेशन की जानकारी में ही आपको उसके वीक पॉइंट्स मिल सकते हैं कि उसने इस बिजनेस को क्यों शुरुआत करी है। तो इस ऑक्यूपेशन के बारे में ध्यान से रखना। इसमें एक और आपके लिए नोट है, ऑक्यूपेशन के बारे में जब आप जानते रहोगे तो आपको कभी भी डायरेक्टली सामने वाले व्यक्ति की सैलरी या फिर नेट मंथली इनकम डायरेक्टली कभी नहीं पूछना है। अगर आपने ऐसा किया तो ज्यादातर केसेस में चांसेस है कि वो डायरेक्टली मतलब आपके अगेंस्ट में हो जाए या फिर आपको डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात भी करे। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट इनकम के बारे में पूछना एक रिस्पेक्टफुल या फिर एक मैनरलेस बात कही जा सकती है। हाँ, अगर आप उसके बारे में जानना ही चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली कितनी इनकम कमाता है तो दो रास्ते, एक या तो अगर वो आपका बहुत सगा संबंधी है या तो आपके बहुत क्लोज है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप जो काम करते हो मंथली फिर भी कितना राउंड अबाउट जनरेट हो जाता होगा या फिर कंपनी आपको कितना पे करती होगी अगर वो आपका करीबी है तो। और अगर आप उसे पहली बार मिल रहे हो, आप उसे थर्ड पर्सन है, तो हमेशा इस सवाल को थोड़ा घूम फिर के पूछिए। उदाहरण के रूप में दुबे जी काम एक मान के चलते दुबे जी कमिश्नर है, मैं उनसे ये सवाल किस तरीके से करूंगा। तो दुबे जी आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अभी 15 साल से आप जॉब करते आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कैसा है, पे रेज ठीक ठाक से मतलब ग्रोथ दे रही है या तकलीफ जाती है, मतलब मंथली फिर भी एक पेमेंट का शेड्यूल किस तरीके से हो जाता है। अब याद रखिए, आप इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा ये सवाल को छलका सकते हो, इससे आगे आपको पूछना नहीं है। इसके आपको दो जवाब मिल सकते हैं, या तो वो बोलेगा हाँ ठीक ठाक सा अच्छा खासा सा पैसा मिल जाता है निकल जाता है, अगर उसने ये बोल दिया तो छोड़ दीजिए, उसे ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, या फिर इसका दूसरा जवाब ये भी मिल सकता है, हाँ यार 50-60 हजार रुपए मिल जाता है। लेकिन समय क्या होता है, 14-15 घंटा तो हम लोग बिजी होते हैं। याद रखिए, जब आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछोगे तो यही से आपको उसकी दुखती रख मतलब वाइफ मतलब उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ अभी लाइफ में क्या है वो आपको पता चलेगी। और अगर आपने उसका भाई यहां पे उसके ऑक्यूपेशन में अगर पकड़ लिया तो आगे की सारी प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ऑक्यूपेशन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लीजिए, हर व्यक्ति के साथ में अगर आप पूछोगे आपके दिमाग में एक डेटाबेस बनेगा कि एक्स प्रोफेशन का व्यक्ति का स्केलिंग ये होता है, इसकी इनकम ये है लेकिन इसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं है, इसके पास में टाइम तो मिल जाता है लेकिन इसकी इनकम नहीं है, कुछ कुछ लोगों के पास में तो ना ढंग की इनकम है ना ही ढंग का टाइम है, ना वो फैमिली को देने के लिए उनके पास में टाइम है, ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये सारे ऑक्यूपेशन का सवाल जब आप उनसे डिटेल में पूछोगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ पूछना है करके मत पूछिए, जानकारी लेने के हिसाब से पूछे। आपके दिमाग में एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए कि एक्स वाई जेड प्रोफाइल का व्यक्ति का स्केलिंग स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस क्या होंगे। नाउ सेकंड, जब आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ लिया, तो आपको सिचुएशन का रिक्रिएशन करना है। रिक्रिएशन मतलब सामने वाले व्यक्ति के साथ में कनेक्ट करना है, क्योंकि बातों ही बातों में ऑक्यूपेशन में वो बता देता है कि क्यों इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी है। और अगर अभी तक की बात नहीं हुई तो आपको उसके साथ में सामने वाले के साथ में कनेक्ट करना है, रिक्रिएशन करना है, मतलब आपको सिर्फ पूछना है क्यों भाई साहब आपने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों करी। इसे फॉलो करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं कनेक्टर डिटेक्टर एंड रिपीट द कनेक्टर। मेरे साथ में रिपीट कीजिए, कनेक्टर डिटेक्टर एंड रिपीट द कनेक्टर। इसका मतलब क्या, हमेशा याद रखिएगा, रिक्रिएशन प्रोसेस में आपको सामने वाले की नीड्स इंटरेस्ट कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, उसकी जरूरतें क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, उसके बारे में पूछना है। जब आप सवाल करोगे तो सर ये सारी चीजें होने के बाद में आपने सेल शॉप के साथ में शुरुआत क्यों करी, सामने वाला आपको बता सकता है मेरे पास में समय की कमी है, सामने वाला ये बता सकता है मेरे पास में पैसों की कमी है, सामने वाला ये बता सकता है भाई साहब बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने बिजनेस की शुरुआत करी है। जैसे ही उसने आपको अपना कनेक्टर बता दिया, आपको अपनी वीकनेस बता दी कि मैंने इस कारण से आपको ये किया है, आपने डिटेक्ट कर लिया, आपको रिपीट द कनेक्टर, आपको उसी कनेक्टर को फिर से रिपीट करना है। भाई साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज बिल्कुल जीवन में समय नहीं हो चला है, 15 साल तो निकल गए, 25 साल अगले फिर से ऐसे ही निकलेंगे अगर यही काम करते रहे तो, क्लियर हो रहा है। या फिर सेकंड आप ये बता सकते हो कि भाई साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पैसों की थोड़ी सी कमी है, भाई साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कनेक्ट
इमोशनल कनेक्टर फाइंड करना है, उसे डिटेक्ट करना है और उसे एक बार रिपीट करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नोट मैं आपको छोड़ रहा हूं, कभी भी इस प्रोसेस में जब आप उसके साथ में कनेक्ट करते रहोगे तो आपको सामने वाले के सामने अपने आप को इंटरेस्टिंग शो नहीं करना है, आपको सामने वाले में इंटरेस्टेड होना है। कम ऑन, आपको सामने वाले के सामने अपने आप को इंटरेस्टिंग शो नहीं करना है, आपको इंटरेस्टेड बनना है सामने वाले में। इंटरेस्टिंग व्यक्ति को कोई नहीं जानना चाहता। अगर आप सामने वाले के अंदर में इंटरेस्टेड है तो वो आपके साथ में तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, वो आपके साथ में एक जुड़ाव महसूस करेगा। तो आपको सामने वाले में बहुत जबरदस्त इंटरेस्टेड बनना है, उसके बारे में जानना है, अपना बखान नहीं करना है। आप उसके बारे में, आप उसकी जिंदगी बदलने के लिए आए हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड रहे, सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड आप हो जाए। और अगर आप ये सारी प्रोसेस को फॉलो कर जाते हैं, आपको उसका अब वाई मिल जाएगा कि उसने इस बिजनेस को क्यों शुरुआत किया है। और अब आपको इसी प्रोसेस को मैसेज देना है, एम फॉर लास्ट मैसेज। अब आपको उसे बताना है, ये सारी प्रोसेस आपने फैमिली की जानकारी ले ली, आपने उसके ऑक्यूपेशन की जानकारी ले ली, आपने उसके रिक्रिएशन कर दिया उस पूरे सिनेरियो का, साथ ही साथ एम फॉर मैसेज। अब आप उसे क्या बताना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो आप इस बिजनेस को, क्यों आपको कामयाब होना चाहिए इस बिजनेस को, बिजनेस में। और यही दोस्तों रहेगा क्लियरिंग द वाई। अब आप उसे बताओगे कि अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, सर बात तो आपने बिल्कुल ठीक करी, रिक्रिएशन में ये बात होगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक करी, बड़े परेशानियां हैं, चाहे वो कोई भी हो। सेकंड मैसेज, इस परेशानियों को अब सेल शॉप आपको किस तरीके से दूर करवा के देगा, ये वाई मैसेज उसे देना बहुत आवश्यक है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जब तक सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में ये वाई क्लियर नहीं रहेगा, हाउ उस काम को कैसे करे, उसमें वो कभी इंटरेस्टेड होगा नहीं। और अगर आप उसे इंटरेस्टेड बना चाहता हो इस काम के लिए, तो उसका वाई क्लियर प्रॉपर तरीके से होना, क्लियर होना बहुत आवश्यक है। नाउ इस वाई को क्लियर कैसे करें, उसका भी एक सिंपल प्रोसेस है। याद रखिए, नॉलेज इज अ पावर। हमारे सेल शॉप में यूट्यूब पे काफी सारे डायमंड्स की अलग अलग स्टोरीज दी है, सक्सेस स्टोरीज। और हमारी कंपनी में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे से बुरे बैकग्राउंड से आकर उन्होंने अचीव किया है, लाइफ को अपने ट्रांसफॉर्म किया है। हर एक बैकग्राउंड, हर एक प्रोफेशन के लोग आज हमारे इस इंडस्ट्री में आके उन्होंने लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। यूट्यूब के वीडियोस देखिए, आपको उन सभी डायमंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी कभी सिचुएशन आए किसी की FIM करने के लिए, पोस्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने के लिए, तो आपको फाइंड ये करना है कि इस व्यक्ति की लाइफस्टाइल किस डायमंड के लाइफस्टाइल के साथ में मैच होती है। और जिस भी व्यक्ति की लाइफस्टाइल उस डायमंड के साथ में मैच होगी, उसी डायमंड का वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक के आपको प्ले करना है, क्योंकि उस वीडियो में वो डायमंड्स बताते हैं कि मैं पहले ऐसा था, मैंने अपने जीवन को इस तरीके से बदला, मेरे लाइफ में पहले ये प्रॉब्लम थी एंड मैंने इस तरीके से इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो याद रखिए, क्लियरिंग द वाई में किसी भी एक डायमंड की एक सक्सेस स्टोरी बहुत काम में आती है, लेकिन आपको वो सारी पता होनी चाहिए। नॉलेज इज द पावर। और आपको सबसे पहले आगे की कोई भी कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले उस डायमंड का वो वीडियो शो करना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते सारी चीजों को। सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति की अगर मान उसकी फिल्म करनी है, तो आपको सबसे पहले उसके साथ में रिलेशन बिल्डिंग, कॉमन रेपो बिल्ड आपको करना है, उसके साथ में एक रेपो क्रिएट करना है, उसके साथ में जुड़ना है, उसको साथ में आपको कनेक्ट करना है। अगर आप उसे कनेक्ट कर ले तो वो आपके साथ में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, आपकी बात सुनेगा। दूसरी बात, आपको उसका वाई क्लियर करना है, उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस देना है, उसे एक रीजन देना है कि क्यों भाई साहब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी है और आपको क्यों इस बिजनेस में कामयाब होना चाहिए। उसे फियर मोटिवेशन भी कहते हैं, ये आपको देना है। और अगर आपने ये दे दिया तो अब वो एक भूखा शेर बन जाएगा। भूखे शेर को मैं फिर से रिपीट करता हूं, कभी बताना नहीं पड़ता है कि उसे शिकार कैसे करना है, वो खाना खुद ढूंढ लेगा, वो शिकार खुद कर लेगा। और उसी तरीके से आगे अगर आपने मान के चलते हैं, जो बेसिक हमारी फिल्म है, अब अगर उस व्यक्ति के सामने आपने कंडे करी तो वो ध्यान से आपकी FIM के सारे हाउ टू डू, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, इसे ध्यान से सुनेगा। तो चलिए नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते हैं। अब एक्चुअली इस बिजनेस को करे तो कैसे करे, हाउ, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आने वाले इस लाइन में देखते हैं। नाउ अब आपने उसे डायमंड का